हेलो एवरीवन, वेलकम अब वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल खुशी हो गया पर। तो हाजिर हूँ मैं एक नए रिव्यू वीडियो के साथ। आई डोंट नो आपको मेरे जो रिव्यू वीडियोस है वो क्यों इतने पसंद आते हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा ही सच बोल देती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए ही शायद। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो और लेकर आया जाए, और वैसे भी आप लोग को पसंद आता ही है। तो ऐसे ही अपना जो प्यार है वो मुझे देते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मैं भी ऐसे आगे बढ़ती रहूँ जैसे बाकी सब बढ़ रहे हैं। सो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिव्यू अपना देते हैं कि क्या है, मैंने क्या प्रोडक्ट लिया है। तो इस वीडियो के लिए मैंने जो प्रोडक्ट है वो ये चूज किए हैं, ये है माइग्लैम के ही तरफ से, और वहाँ पर उनके ये कलेक्शन है पॉप्सको की। सो वहाँ से मैंने ये पिक किया है, ये हॉट मिस का 4 आई शेडो किट। तो इसके और भी वेरियंट हैं, उसमें आई थिंक 10 से 12 शेड अवेलेबल हैं उस आई शेडो पैलेट किट में। सो मैंने ये पिक किया है और बहुत ही छोटे छोटे कलेक्शन हैं इसके, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मान लो अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, अगर बिगनर है इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो वो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये मिनी लिप किट। तो इसके भी आई थिंक 1 to 2 वेरियंट थे, यस आई थिंक 2 वेरियंट थे इसमें, जिसमें से मैंने इसको पिक किया है। सो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये इंस्टा ग्लैम फेस किट, जिसमें आपको सभी तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। सो चलो अब इसी का हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाना यार, और बिना लाइक किए हुए मत जाना। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ रिव्यू करूँगी इसका पॉप्सको प्रीटी मेस मिनी लिप किट की, जो आउटर पैकेजिंग इसकी इस तरीके से है, और बैक में आपको मिल जाएगी कि किस तरीके के कलर इसमें अवेलेबल्स हैं। सो ये रही उनकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलो अब लिपस्टिक की स्वचेज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें से मैंने जो बीच वाली है वो लगा करके रखी है, एक इसी में से ट्राई कर लिया था, और रिसेंटली मैंने अपने फेस पर अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो डोंट माइंड, तो मेरी फेस को मत देखना। सो बात करूँ अगर लिपस्टिक की स्वचेज की, तो मुझे कलर्स इनके बहुत अच्छे नहीं लगे। इसमें जो अदर वेरियंट था उसमें से मैक्सिमम लिपस्टिक के जो शेड थे वो मेरे पास थे, तो इसलिए मैंने उसको पिक नहीं किया। तो मैंने ये पिक किया इस मिनी किट को। तो ये हैं उनके कलर्स, ये कलर्स हैं जो इस लिपस्टिक में अवेलेबल हैं, आपको ये कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे पर्सनली इसलिए ये पसंद नहीं है क्योंकि ये देखो, आप ये कलर देखो और ये कलर, बोथ आर लुकिंग सेम, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों लिपस्टिक में। अगर इन दोनों लिपस्टिक के शेड में ज़्यादा डिफरेंसेस होते या फिर थोड़े बहुत भी डिफरेंसेस होते तो मुझे ये पसंद आती, अदरवाइज ठीक ठाक कह सकते हो इसको, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। क्योंकि इस प्राइस रेंज में मुझे बहुत अच्छे लिपस्टिक अवेलेबल मिलते हैं। सो ये इसका जो फॉर्मूला है वो क्रीमी है। सो इसकी जो MRP प्राइस है वो 349 है, और ऑफ में ये मुझे मिली थी 199 में, तो वहाँ पर ऑफ चलते रहते हैं, तो ऑफ में आपको आराम से 200 तक अराउंड मिल ही जाएंगे, और मेड इन इंडिया है। तो इस तरीके से ये लिपस्टिक के जो आउटर पैकेजिंग है वो है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पैकेजिंग मुझे ठीक ठाक लगी इसकी, और क्वांटिटी आपको इतनी मिल जाती है, और हैंडी डैंडी है, मतलब आप इसको अपने पर्स वगैरह में रख करके आराम से कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव हॉट मिस का 4 आई शेडो किट, तो जो इस तरीके से आपको दिखता है। तो इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 4 ग्राम है, और MRP प्राइस इसकी 299 है, और सेल्फ लाइफ इसकी जो है वो 21 to 24 तक है। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई, और अगर आप एक बिगनर हो तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का आई शेडो पैलेट है, और ये फॉल आउट भी नहीं होता है, और मैंने इससे एक हल्दी मेकअप लुक क्रिएट किया है जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो इस तरीके से इसमें कलर जो है वो अवेलेबल है, और आप देख सकते हो ये पहले ही यूज़ किया हुआ है। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, और ये तो आपके पास ज़रूर से होना चाहिए। तो इसके और भी वेरिएंट थे, आप उसको भी पिक कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो मुझे बेसिकली मुझे ये येलो कलर था इसमें, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो दैट्स वाई मैंने इसको पिक किया। सो नेक्स्ट आई हैव इंस्टाग्लैम का फेस किट, जो इस तरीके से है, और इसकी जो MRP प्राइस है वो 399 है। ऑब्वियसली ये भी ऑफ में आपको मिल जाएगा, मैंने सारे जितने लिए हैं ये सब ऑफ में ही लिए हैं, और एग्जैक्टली प्राइस ऑफ में क्या मिला था ये रिसेंटली मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो सारे शेड इसमें कौन कौन से हैं और क्या क्या है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और चलो तो बात करूँ इसकी अगर आउटर पैकेजिंग की, तो इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो 11 ग्राम है। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो भी मुझे बहुत पसंद आई,
जस्ट आपको ये पैलेट जो है, एक्चुअली मैंने इसको यूज़ कर रखा है तो आपको मैं रिव्यू के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके पास ये भी पैलेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको अलग अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपके जो पैसे हैं वो भी इन्वेस्ट ज़्यादा होने से बच जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो मेकअप, या फिर आपके पास कुछ भी ब्लश वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। सो इसको सेफली ये यहाँ पुट किया हुआ था। सेफ्टी वाइज भी ये बहुत अच्छा पैलेट है, इस तरीके से ये टक हो जाती है, और आई थिंक यहाँ मैग्नेट है, दैट्स वाई ये बहुत ही सेफ क्लोज हो जाता है, एज यू कैन सी। सो इसमें हमें मिलते हैं ये हाइलाइटर, और ये है सेटिंग पाउडर, एंड नेक्स्ट ये जो है वो आपको ब्लश मिलते हैं। तो एक ही पैलेट में आपको ये तीनों मिल जाते हैं, और इसकी ब्लश की तो बात ही नहीं है, और हाइलाइटर की तो कोई बात ही नहीं है, मत ही पूछो। इतनी अच्छी क्वालिटी की हाइलाइटर है ये, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैक्सिमम वीडियोस में अपने जो मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ वो बेसिकली यही यूज़ करती हूँ। अगर डे लाइट में आप कभी मेकअप कर रहे हो और उसमें आपको हाइलाइटर की ज़रूरत है, तो ये उसमें बहुत काम आएगा। मैंने बहुत सारे हाइलाइटर्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं, सो बेसिकली मुझे उन सब में ये बहुत पसंद आया, क्योंकि इसे एक नेचुरल लुक देता है आपको, और ज़्यादा फेंकी फेंकी सा नहीं लगता है, और बहुत इसकी पिगमेंटेशन देखो बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ इसकी पिगमेंटेशन, देखो आप कितनी अच्छी है। डे लाइट के लिए तो परफेक्ट है, और नाइट के लिए तो पूछो ही मत। वन स्वेचेज में आपको इस तरीके की पिगमेंटेशन मिलती है इसकी, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। तो अगर रिव्यू की, तो जो फेस पैलेट है वो मुझे बहुत पसंद आई, और जो आई शेडो की किट है वो भी मुझे बहुत पसंद आई, वो आपके पास ज़रूर से होना चाहिए आपकी 180 बॉक्स में। सो अगर बात करूँ लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के जो शेड्स हैं, जो कलर्स हैं उसमें अवेलेबल्स हैं, वो मुझे पसंद नहीं आए। तीनों जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए थे, दो कलर्स जो है वो मैच कर रहे हैं, तो बस यही एक रीज़न है जो मुझे नहीं पसंद आई लिपस्टिक। उन्होंने और भी कलर्स उसमें देने चाहिए थे, दूसरे कलर्स देने चाहिए थे ऑब्वियसली। और यही थी मेरी आज की रिव्यू, कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगी होगी या ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो आपको मेरे रिव्यूज वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो चलिए, टिल देन रखिए अपना ख्याल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए ख्याल, बाय बाय।